Welcome students, this is Manpreet Singh in front of you, and today we will move ahead and we will read our chapter The Portrait of a Lady, which was written by Khushwant Singh. And before this we have done our matter till they came to the city life, to the city house from their village house. And what happened next in the city house, as I told you, when the writer Khushwant Singh went to an English medium school and his grandmother asked him about his matter, about his school, about his classes, about his study, then she almost got upset because the answer of the writer whether it was about music lessons or about the book readings, about the science informations, she got upset. And let's see what happened next. When I went to the university, जब मैं गया यूनिवर्सिटी में, यानी कि खुशवंत सिंह देखो अब कॉलेज स्कूलिंग उन्होंने कर ली है, अब उनकी कॉलेज की बारी है. तो जब यूनिवर्सिटी में गया, I was given a room of my own. आई वॉज गिवन, मुझे दिया गया एक कमरा ऑफ माई ओन, जो कि मेरा ही था. द कॉमन लिंक, जो एक नॉर्मल सा जो हमारा संबंध था, जो लिंक था ऑफ अ फ्रेंडशिप, हमारी दोस्ती का, दोस्ती किसकी, राइटर की और उसकी ग्रैंड मदर की, वो स्नैप्ड. स्नैप्ड इट मीन्स ब्रेकअप. तो स्नैप्ड मतलब कि वो टूट गया, जो कॉमन सा लिंक था, मतलब जो बातचीत होती थी, जो उठाना होता था, जो हालचाल पूछना होता था, वो ख़त्म हो गया. यही वो कॉमन लिंक था. माई ग्रैंड मदर एक्सेप्टेड हर सेक्युलरिज्म विद रेजिग्नेशन. मेरी जो ग्रैंड मदर थी, मेरी जो दादी माँ थी, उन्होंने क्या किया, स्वीकार कर लिया था हर सेक्युलरिज्म, यानी कि उन्होंने अपना एकांतवास, अपना अकेलापन स्वीकार कर लिया था विद रेजिग्नेशन. किसके साथ, त्याग के साथ. शी रेयरली, वे बहुत कम क्या करती थी, लेफ्ट हर स्पिनिंग व्हील. देखो स्पिनिंग व्हील का मतलब होता है चरखा काटना, चरखा चलाना या काटना. एंड वो रेयरली, बहुत कम वो क्या करती थी, लेफ्ट हर स्पिनिंग व्हील, अपने स्पिनिंग व्हील को छोड़ती थी टू टॉक टू एनी वन, यानी किसी से भी अगर उन्होंने बात करनी है तो वो जो उनका व्हील था उसको स्पिन करते हुए ही करती थी, अदरवाइज वो स्पिनिंग छोड़ती नहीं थी. फ्रॉम सनराइज टू सनसेट, सूर्य उदय से लेकर सूर्य अस्त तक, शी सेट बाय हर व्हील स्पिनिंग एंड रिसीटिंग प्रेयर्स. वे क्या करती थी, सुबह से लेकर शाम तक क्या करती थी, बैठ जाती थी व्हील स्पिनिंग, अपना चरखा चलाने में, एंड रिसीटिंग प्रेयर्स, और गुनगुनाती थी, बड़बड़ाती थी क्या अपनी प्रेयर्स को. ओनली इन द आफ्टरनून, सिर्फ दोपहर के वक्त, शी रिलैक्स्ड, वे आराम करती थी, फॉर अ वाइल टू फीड द स्पैरोज. स्पैरोज को हिंदी में गौरिया या चिड़िया अपने कह सकते हैं. तो वो क्या करती, जब चिड़ियाएँ थी उनको फीड यानी कि खाना खिलाते वक्त ही वो क्या करती थी, आराम करती थी. वाइल शी सैट इन वेरांडा, जब वे बैठी होती बरामदे के अंदर, ब्रेकिंग द ब्रेड, तोड़ रही होती इन टू लिटिल बिट्स, छोटे छोटे टुकड़ों में, हंड्रेड्स ऑफ लिटिल बर्ड्स, तो सैकड़ों चिड़ियाएँ होती, जो चिड़ियाएँ होती थी, कलेक्टेड राउंड हर, वे उनके चारों तरफ इकट्ठी हो जाती, क्रिएटिंग अ वर्टिकल बेडलम ऑफ चिरपिंग्स. और वे क्या करती, क्रिएट करती, यानी चिड़ियाएँ इकट्ठी होकर क्या करती, क्रिएट करती क्या, वर्टिकल बेडलम, यानी कि वर्टिकल बेडलम का मतलब होता है बहुत ज़्यादा, और क्या, चहचहाहट, यानी कि उनकी जो आवाज़ थी, उनकी जो चहचहाहट की आवाज़ थी, चहकने की जो आवाज़ थी, वो बहुत ज़्यादा सुनाई देती थी. सम केम एंड पर्च्ड ऑन हर लेग्स, कुछ आती और वे बोलने लगती उनकी टांगों पर बैठकर, मतलब कि चिड़ियाँ चींची करने लगती थी. अदर्स ऑन हर शोल्डर्स, और बाकी उनके कंधों पर. सम इवन सैट ऑन हर हेड,
और कुछ तो ऐसी चिड़ियाएं होती थी जो उनके सिर पर बैठ जाती थी। शी स्माइल्ड बट नेवर शूड देम अवे। वे मुस्कुराती पर उन्होंने कभी भी उनको क्या नहीं किया। शूड, शूड का मतलब होता है भगा देना, ठीक है। इट इज़ सॉरी, इट यूज टू बी द हैप्पीएस्ट हाफ आवर। इट यूज टू, वो हुआ करता था द हैप्पीएस्ट, खुशी भरा पल। हाफ आवर यानी वो जो आधा घंटा था वो उनके लिए सबसे ज़्यादा खुशी भरा हुआ करता था। ऑफ द डे फॉर हर, उनके लिए। व्हेन आई डिसाइडेड, जब मैंने निश्चय किया टू गो टू अब्रॉड, कि मैं कहाँ जाऊँ, बाहर जाऊँ, विदेश जाऊँ फॉर फर्दर स्टडीज़, मेरी आगे की पढ़ाई के लिए। आई वॉज श्योर, मैं निश्चित था, माई ग्रैंड मदर, जो मेरी दादी माँ है, वुड बी अपसेट, वे उदास हो जाएंगी। आई वुड बी अवे, मुझे जाना होगा फॉर 5 ईयर्स। कितने सालों के लिए? 5 सालों के लिए। एंड एट हर एज, और उनकी एज में, वन कुड, कोई भी, नेवर टेल, ऐसी बात नहीं बताता, बट माई ग्रैंड मदर, पर मेरी दादी माँ ने कुड बता दिया था, कह दिया था। शी वॉज नॉट इवन सेंटिमेंटल, वे न केवल भावुक हुई, शी केम टू लीव, वे आई टू लीव छोड़ने के लिए, मी ऑन द रेलवे स्टेशन, मुझे रेलवे स्टेशन छोड़ने आई। बट डिड नॉट टॉक और शो, पर उन्होंने बात नहीं की, दिखाया नहीं एनी इमोशन, कोई भी भाव उन्होंने दिखाया नहीं, व्यक्त नहीं किया। हर लिप्स, उनके जो होठ थे, मूव्ड, वे चल रहे थे इन प्रेयर। मतलब उनके होंठ क्या कर रहे थे, उस प्रेयर को गुनगुना रहे थे। हर माइंड वॉज लॉस्ट इन प्रेयर, उनका जो दिमाग, उनका जो ध्यान था वो गुम हो गया था प्रार्थना में। हर फिंगर्स वर बिजी, उनके जो फिंगर्स थी वे बिजी थी टेलिंग द बीट्स। टेलिंग का मतलब होता है प्लेइंग या चलाना, तो वो क्या कर रही थी, टेलिंग कर रही थी किनको, बीट्स को, ऑफ़ रोजरी, अपनी माला की, यानी बीट्स जो मन के होते हैं। साइलेंटली, चुपचाप, शी किस्ड ऑन माई फोरहेड, उन्होंने चुपचाप बिना कुछ बोले मेरे फोरहेड पर किस की। एंड व्हेन आई लेफ्ट, आई चाइस्ड द मोइस्ट इम्प्रिंट्स, तो मैं भर गया द मोइस्ट इम्प्रिंट्स, यानी कि मैंने क्या महसूस किया, मोइस्ट इम्प्रिंट, वो निशान, वो चिन्ह, वो सिंबल मैंने फील किया, मोइस्ट, जो बहुत ही क्या था, मोइस्ट था, मॉइस्चराइजर, जिस जो आपने वर्ड सुना है, यानी कि नमी भरा था, प्रेम भरा था। एज परहैप्स द लास्ट साइन, जैसे कि शायद क्या था, वो अंतिम चिन्ह था ऑफ फिजिकल कॉन्टैक्ट, हमारा जो शारीरिक जो जुड़ाव है बिटवीन अस, हमारे बीच में, वो शायद अंतिम था। बिटवीन अस मीन्स राइटर एंड हिज ग्रैंड मदर, बट दैट वॉज नॉट सो, पर ऐसा नहीं था। आफ्टर 5 ईयर्स, 5 सालों बाद, आई केम बैक, मैं वापस आया होम, एंड वॉज मेट, और मैं मिला बाय हर, उनसे, एट द स्टेशन, कहाँ पर, स्टेशन पर। शी डिड नॉट लुक अ डे ओल्डर, वे मुझे एक भी दिन, मतलब उम्र, उनकी जो उम्र थी वो वहीं पर रुकी हुई दिखाई दी, एक भी यूं नहीं लगा, एक भी पल यूं नहीं लगा जैसे उनकी उम्र बढ़ी हो। शी स्टिल हैड नो टाइम, अभी भी उनके पास क्या नहीं था, समय नहीं था फॉर वर्ड्स, बोलने का। एंड विच शी क्लैस्प्ड, एंड वाइल शी क्लैस्प्ड, और उन्होंने मुझे क्या किया, क्लैस्प्ड, क्लैस्प्ड का मतलब होता है हक करना, गले लगाना। मी इन आर्म्स, अपनी बाहों में उन्होंने मुझे जकड़ लिया। आई कुड हियर हर, मैं सुन सकता था उन्हें, रिसीटिंग प्रेयर्स, रिसीटिंग गुनगुनाते हुए, बोलते हुए प्रेयर्स, प्रार्थनाएँ। सो इवन ऑन द फर्स्ट डे, यहाँ तक कि जो पहला दिन था ऑफ माई अराइवल, मेरे आने का, हर हैप्पीएस्ट मोमेंट्स, और उनका जो खुशी भरा जो मोमेंट था, जो पल था, वर विद हर, विद हर स्पैरोज, वो किनके लिए था, किनके साथ था, उन स्पैरोज के साथ, उन चिड़ियाओं के साथ, हुम शी फेड, जिनको वो खाना खिलाती थी लॉन्गर, लंबे समय से। एंड विद,
फ्रिवोल्स रिब्यूक्स, रिब्यूक का मतलब होता है डांटना, फ्रिवोल्स का मतलब थोड़ा सा भी, लिटिल बिट। तो और उन्हें क्या, और वे क्या करती, बहुत लंबे समय से खाना खिलाती थी, एंड विद फ्रिवोल्स रिब्यूक्स, रिब्यूक्स का मतलब होता है डांटना, तो यहाँ पर इसका मतलब फ्रिवोल्स थोड़ा सा भी, मतलब उनको डांटती नहीं थी, मतलब उनको उड़ाती नहीं थी, और उनको क्या करती थी, लंबे समय से खाना खिलाती थी, इसीलिए उनका जो हैप्पीएस्ट मोमेंट था वो किनके साथ था, उन स्पैरोस के साथ। सो स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आपको इतना चैप्टर जो है वो समझ आ गया होगा। थैंक यू।